कभी किसी शक्ल में अजाब आया, आज इस शक्ल में अजाब। डरो रब से, सच्चे दिल से तौबा करोगे कहीं ऐसा ना हो कि अजाब की गिरफ्त में हम भी आ जाएं। ए लोगों, अगर समंदर के झाग से ज्यादा भी तुम्हारे गुनाह होंगे और अगर रब की बारगाह में गिड़गिड़ा के तौबा कर लोगे तो अल्लाह फरमाता माफ कर देगा, रहमत का कलम फेर देगा। ए लोगों, मगर तौबा सच्चे दिल से होना चाहिए। आमीना के लाल मोहम्मद अरबी। ए लोगों, तशरीफ फरमाए। एक शख्स मेरे नबी की बारगाह में हाजिर आया, अर्ज करने लगा, आका मुझे कलमा पढ़ा दो, आका मैं गुनाहों से तौबा करना चाहता हूँ, क्या मौला मेरे गुनाहों को माफ कर देगा। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। अर्ज करने लगा, आका मेरे बहुत बड़े बड़े गुनाह है, क्या उन्हें भी माफ कर देगा। मेरे नबी ने फरमाया, बता तो तेरे कौन से गुनाह। अर्ज करने लगा, आका बताते हुए भी शर्म आती है, ए आका बताने को दिल नहीं चाहता, इतने बड़े बड़े खतरनाक मैंने गुनाह किए रखे। मेरे नबी ने फरमाया, बता तो तूने कौन से गुनाह किए हैं, अगर तू तौबा करेगा तो मौला माफ कर देगा। वाह वाह वाह, जिंदा वाह, बेशक सुभानअल्लाह। सुना, ईमान ताजा हो जाएगा, जरा तवज्जो से सुनना। और मैं तकरीर मुझे जितनी देर करना था हो गया, लेकिन थोड़ी देर जरा और सुन लो मोहब्बत से। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमा। नबी ने फरमाया, बता तेरा कौन सा गुनाह है, बता तो तेरी कौन सी खता है। अर्ज करने लगा, आका ये जमाने जाहिलियत का है। तवज्जो करना, ये जमाने जाहिलियत की बात है। आका जब दुनिया में आप तशरीफ ना लाए थे, ये उस वक्त की बात है। अर्ज करता, आका मैं दुनिया में एक बहुत बड़ा गुनाह करता था, जो मेरा गुनाह ऐसा कि बताते भी शर्म आती है। नबी ने फरमाया, बता दो तेरा कौन सा गुनाह। अर्ज करने लगा, आका जमाने जाहिलियत में एक रिवाज था कि किसी के घर में अगर लड़की पैदा होती तो अपनी लड़की को जिंदा दफन कर दिया करता था। क्या करता था? जिंदा दफन किया था। जमाने जाहिलियत में किसी के घर में लड़की पैदा होती तो क्या होता था, उस लड़की को जिंदा दफन कर देते। अर्ज करने लगे, आका मेरा काम यह था कि कुछ बाप ऐसे थे कि अपनी बेटियों को जिंदा दफन नहीं कर पाते थे, उनके हाथ कांपने लगते थे अपनी बेटी को जिंदा दफन करने की वजह से। आका मेरा ये काम था कि मैं पैसा लेके जो बाप अपनी बेटी को दफन नहीं कर पाते थे उनकी बेटियों को मैं दफन करता था जिंदा। और आका मैंने 100 बेटियां लोगों की दफन की है। कितनी तवज्जो सुने, कितनी बेटियां दफन की हैं? आका मैंने 100 बेटियां लोगों की जिंदा दफन की हैं। जब कोई बाप के हाथ कांपते थे, कदम लड़खड़ाते थे अपनी बेटी को दफन करने से, तो आका मैं उसके बाप से पैसा लेके फिर उसकी कब्र खोद के जिंदा दफन करता था। लेकिन आका एक वाकये ने मेरी रूह को झंझोड़ दिया, मेरे जमीर को झंझोड़ दिया। नबी फरमाते, कौन से ने? अर्ज की, आका एक ताजिर था, अपनी बीवी को हमल से छोड़ के माले तिजारत लेके तिजारत की गरज से दूसरे मुल्क गया। तिजारत करने के बाद 5 साल के बाद वो आका घर आया। जब 5 साल के बाद वो घर आया तो उसने क्या देखा, तो उसके आंगन में छोटी सी बच्ची खेल रही है, छोटी सी बच्ची मुस्कुरा रही है। अपनी बीवी से बोला, ए मेरी बीवी, ये तो बता ये किस पड़ोसी की बच्ची है, क्या ये किसकी बच्ची है जो अपने आंगन में मुस्कुरा रही है, जो अपने आंगन में खेल रही है। बीबी ने बताया, ये बच्ची किसी पड़ोसी की नहीं है, ये किसी और की नहीं, तेरी बच्ची है। कहा, मेरी कहां से आई? कहा, जब तू तिजारत पे गया था तो मुझे उम्मीद से छोड़ के गया था, तेरे पीछे जो मैंने बच्चे को जन्म दिया वो यही लड़की है। आज ये 5 साल की हो चुकी है, ये रोजाना पूछती है, माँ मेरा बाप कब आएगा। रोजाना सोने से पहले पूछती थी, माँ मेरा बाप कब आएगा। मैं रोजाना तसल्ली देती थी कि कल आएगा। जब दिन निकलता सुबह में पूछती, मैं कहती थी शाम को आएगा। एक एक दिन करके इस बेटी ने तेरे इंतजार में गुजारा है। इस बेटी को अपने गले लगा ले, इस बेटी को अपने बाप बाप होने
थोड़ा एक बार प्यार तो दे दे। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, ये जालिम था, इसने अपने दिल में सोचा हाय मैं बाहर क्या चला गया, मेरे घर में बेटी इतनी बड़ी हो गई, अरे मैं घर में होता तो इसे पैदा होते ही जिंदा दफन कर देता, अगर मैं घर में होता तो इसे जिंदा दरगोर कर देता, अरे ये तो बहुत बड़ी हो गई। अल्लाह अल्लाह, माँ ने कहा बेटी यही तेरा बाप है। बेटी भाग के गले से लग गई, गले से लग गई, लेकिन इतना बड़ा जालिम था ये। नबी की बारगाह में अर्ज कर रहा, आका मैंने उसकी बेटी को छुड़ाया, और छुड़ाने के बाद वो जो नबी की बारगाह में तौबा के लिए बैठा था ना, जो स्पेशल लड़कियों को दफन करता था, अर्ज की आका वो उस लड़की का बाप मेरे पास आया और आके बोला बता कितना पैसा लगा, मेरी बेटी 5 साल की हो गई, मेरे हाथ जवाब दे गए, उसे दफन करने के लिए मेरा दिल तैयार नहीं है, दिल कांप रहा, 5 साल की बड़ा प्यार कर रही है मुझसे, तू बता उसे दफन करने का क्या लेगा। मैंने बताया, वो राजी हो गया। मैंने कहा मैं फला जंगल में उसकी कब्र खोद के तैयार करता हूं, तू अपनी बेटी को लेके आ। लोगों जरा गौर करना, जरा गौर करना, आका मैं कब्र खोद के तैयार खड़ा था, वो अपनी बेटी को एक दावत के बहाने से लेके आया, मां ने तैयार करके भेज दिया, बेटी उसकी अपने बाजुओं से उसकी गर्दन को चिपटे पड़ी थी। जब जंगल में मेरे पास बेटी को लेके आया, बेटी की निगाह मेरे ऊपर पड़ी तो चीख निकल गई, बाबा मुझे कहां ले आया, ये तो वो दरिंदा जालिम है जो लोगों की बेटियों को पैसा लेके जिंदा कब्र में दफन करता है। ए बाप मुझे इसके पास ना लेके चल, बाप मुझे इसके सामने जाने से डर लगता है। इतना कहना था, बाप ने दोनों बाजू पकड़ के अपनी बेटी को जमीन पे पटक दिया और कहा मैं इसी के हवाले करने तो तुझे आया हूं, तू इतनी बड़ी हो गई, मेरे हाथ जवाब दे गए, तुझे दफन न कर पाए मगर तुझे जिंदा दफन ये करेगा। लोगों से गौर करना, नबी की बारगाह में अर्ज कर रहा का मैंने उस बच्ची के बाल पकड़े और बाल पकड़ने के बाद उस बच्ची को मैं खचेड़ के लाया, आका मैं कब्र तक खचेड़ लाया, कब्र तक खचेड़ने के बाद में मैंने झटका देके बच्ची को कब्र में ढकेल दिया। बच्ची जैसे ही कब्र में गिरी, गिरते ही खड़ी हो गई, मेरे बाप मुझे निकाल ले। आका मेरे हाथ में कुदाल थी जिससे मैं कब्र खोदता था, आका मैंने दोनों हाथों से कुदाल उठाई, बच्ची के सर में मारी। अल्लाह अल्लाह, कहा दफन करने से पहले मैं बच्ची के सर में कुदाल मारता था, जब बच्चियां बेहोश होकर कब्र में गिर जाती तो मट्टी से पाट दिया करता था। जब मैंने कुदाल मारी उस बच्ची के, मेरी कुदाल की ताब ना ला सकी, कब्र में गिरी, मगर बेहोश होने से पहले एक जुमला बोली, मौला वो तेरे रहमत वाला नबी कब आएगा जो हम बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। आप बाबा जिंदा बात बेशक सुभल्ला बेशक सुभल्ला जिंदा, मौला वो तेरा रहमत वाला नबी कब आएगा जो ये अत्याचार बेटियों पे होने से बचाएगा। इतना उस बच्ची की जबान से निकलना था, उसके जुमले ने मुझे झंझोड़ के रख दिया। कौन ऐसा नबी है कि जिसको ये बच्ची याद कर रही है कब्र में जाने से पहले। मैंने वो आखिरी बच्ची थी, 100वीं बच्ची थी, उसके बाद मैंने आका किसी को दफन ना किया, मगर मैं आपकी तलाश में निकल पड़ा जो उस नबी की तलाश है, उसी से मुलाकात करना है और उसी के हाथ पे हाथ दे के मुझे तौबा पढ़ करके कलमा पढ़ना है। आका मैं आपके तलाश करते करते मक्का की गलियों को छान मारा, आका मैंने मक्का के जंगलों को छान मारा, आका मैंने मक्का शहर को छान मारा, आका आपकी कहीं खबर ना मिली,
मैंने किसी से पूछा ए लोगों के रहमत वाला नबी अभी नहीं आया है क्या, ए लोगों रहमत वाले नबी का पता दे दो। तो किसी ने कहा रहमत वाला नबी आ गया है, मगर रहमत वाला नबी हिजरत करके मदीना चला गया। अगर मुलाकात करना रहमत वाले नबी से तो मदीना चला जा। आका मैं आपका पता पूछते पूछते अब मदीना शरीफ आया, और मदीने शरीफ में भी मस्जिद नबवी शरीफ आ गया। हाय यहां बस एक मिनट और जरा तवज्जो करना, बहुत लंबी तकरीर हो गई, आपने बड़ा अच्छा सुना, अल्लाह मिल की तौफीक अता फरमाए। आका अब मैं आपके कदमों में आ गया, मेरी तौबा करा के मुझे कलमा पढ़ा दो। मेरे नबी के आंखों में आंसू आ गए, मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए, फिर भी मेरे नबी ने फरमाया तू सच्चे दिल से तौबा कर ले मौला माफ कर देगा। वाह वाह बेशक वाल्लाह। ए लोगों अगर हम सच्चे दिल से तौबा करें तो रब हमें क्यों ना माफ कर देगा, लेकिन तौबा सच्चे दिल से होना चाहिए। तू सच्चे दिल से तौबा कर ले रब माफ कर देगा। मैंने सच्चे दिल से तौबा किया, फिर कलमा शरीफ पढ़ा, मुस्तफा जल्दी से उठ के चले गए, आंखों में आंसू थे। ए लोगों मौत से पहले अगर हम भी सच्ची तौबा करें तो मेरा रब जरूर कबूल करेगा। एक दिन हमें भी मरना है, हमारा भी लोग 40वें में लोग जमा हो रहे होंगे, हमारा भी 30वां 10वां हो रहा होगा। ए लोगों उस वक्त हम परेशान होंगे, हाय हमने अगर तौबा कर ली होती कितने अच्छे हो रहते। सच्चे दिल से तौबा कर लो इससे पहले कि मौत आए। अब मौत कब आएगी ये हमें किसी को पता नहीं, जब पता नहीं कि मौत कब आएगी तो फिर देर क्यों करें, तौबा में जल्दी ना करें यार। या तो मौत का पता हो कि मौत जब आएगी तो उससे पहले कर लेंगे, लेकिन मौत का तो कुछ पता ही नहीं है ना, मौत कब आएगी क्या पता, उठने से पहले आ जाए। जब पता नहीं है तो फिर तौबा कर लें, आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हाथ उठा के वादा कर लो इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के वादा करो। लोगों कोई मुश्किल काम नहीं है नमाज, उठाए रहो उठाए रहो, रब की रहमत देख रही है, फरिश्ते आज गवाह हैं, बोलो इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नीचे कर अल्लाह आपको तौबा पर कायम रखे। लोगों इस तौबा को तोड़ना मत, सही साहब क़िबला को गवाह बना के आपने तौबा की।